भाई एक बात तो एकदम पक्की है कि मोमोज हमें से बहुतों के फेवरेट होंगे, और चिकन मोमोज तो खास कर। ये जो एकदम गजब सा मोमोज आप देख रहे हैं, ये बाहर से नहीं मंगाया है, ये हमने घर में ही बनाया है, और वो भी चटनी के साथ। और इसका टेस्ट मार्केट वाले मोमोज से कहीं ज़्यादा अच्छा है। एक बार आप घर में बनाएंगे तो उसके बाद से आपको मार्केट वाले मोमोज अच्छे ही नहीं लगेंगे। तो चलिए आज बनाते हैं मोमोज चटनी के साथ घर पे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेल्ट इन माउथ, आपका स्वागत है। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को गूंद करके एक डो बनाएंगे। मैदे को गूंदने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया है, उसमें एक चुटकी नमक डाला है और पानी हम यहाँ धीरे धीरे डालेंगे। एक साथ पानी डाल देंगे तो आटा गीला हो सकता है, इसलिए ज़रा ज़रा पानी लें और इसे अच्छे से एक गूंद करके एक नरम मुलायम डो तैयार करें। जब जब आपका डो तैयार हो जाए तब इसे गीले कपड़े से ढक करके हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। चलिए अब बनाते हैं मोमोज की स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को हमने घर पे ही छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो मार्केट से चिकन का कीमा भी खरीद सकते हैं, और मिक्सर में आप रफली ग्राइंड भी कर सकते हैं। बट मिक्सर में ग्राइंड करने में ये बात ध्यान रखनी है कि चिकन के पीसेस का पेस्ट ना बन जाए। अगर हमने पेस्ट बना दिया तो हमारी मोमोज की फिलिंग हार्ड हो जाएगी, कुक होने के बाद से हार्ड हो जाएगी, और वो हमें हार्ड नहीं करना है। मोमोज की फिलिंग हमारी एकदम जूसी और सॉफ्ट रहनी चाहिए, इसलिए हम इसे छोटे छोटे चंक्स में ही रखेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज, धनिया पत्ती, स्प्रिंग अनियन जिसे हम सागा प्याज भी कहते हैं, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस और एक बड़ा चम्मच नमक भी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच बटर डाल रहे हैं। बटर मोमोज की स्टफिंग को एकदम सॉफ्ट रखता है, और इसमें 2 चम्मच हमने पानी भी डाला है। ये चिकन को ड्राई नहीं होने देंगे और उस मोमोज की फिलिंग हमारी एकदम जूसी बनी रहेगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख दें। ये हमारी मोमोज की फिलिंग तो तैयार हो गई। तो चलिए अब मोमोज के डो को रेडी करते हैं। मैदे का डो जो हमने बनाया था और उसे आधे घंटे के लिए ढक करके रख दिया था, आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि डो आपका और सॉफ्ट हो गया है। इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से और गूंथिए, जिससे कि ये एकदम नरम और मुलायम हो जाए और इसमें कोई भी क्रैक ना रहे। डो आपका जितना अच्छा रहेगा, मोमोज उतने ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। जब एकदम मुलायम सा डो तैयार हो जाए तब इसकी छोटी छोटी और पतली पूड़ियां बेलिए, उसमें स्टफिंग को फिल करिए और जैसा वीडियो में दिखाया है वैसे धीरे धीरे इसे फोल्ड करना शुरू करिए। मोमोज को फोल्ड करना कोई भी टफ काम नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस आप 1 से 2 मोमोज बनाएंगे तो आपकी उंगलियां एकदम सेट हो जाएंगी कि किस तरीके से आपको मोमोज को फोल्ड करना है, फिर आपके बहुत सुंदर से और अच्छे अच्छे छोटे छोटे से मोमोज रेडी होने लगेंगे। देखिए यहाँ हमने कितना सुंदर सा प्यारा सा मोमोज बनाया है ना। ऐसे ही अपने सारे मोमोज के पीसेस को पहले बना करके एक तरफ रख लीजिए, फिर हम इसको स्टीम में कुक करेंगे। यहाँ हमारे पास स्टीमर नहीं है, इसलिए मैं मोमोज को इडली मेकर में ही कुक कर रही हूँ। अगर आपके पास इडली मेकर भी नहीं है तो आप किसी बड़े बर्तन में पानी को उबाल लीजिए और उसके ऊपर कोई कपड़ा या जाली रख दीजिए, और उस पर आप मोमोज के सारे पीसेस को एक एक करके रख दीजिए। इस तरह से भी मोमोज बहुत अच्छे बनेंगे।
देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी हमारे चिकन मोमोज रेडी हैं। तो चलिए अब इसकी तीखी वाली चटनी बनाते हैं। मोमोज की चटनी बनाने के लिए एक पैन में पानी लें और उसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर को बॉईल करें। इसमें साथ में हमने लाल सूखी मिर्च ली है। अगर मिर्च बहुत तेज है तो आप मिर्च की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 7 से 8 लाल मिर्च ली है। 10 से 12 मिनट के लिए टमाटर को पकने दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, अगर टमाटर गल गए हैं तो आंच को बंद करके इन्हें एक दूसरे प्लेट में निकाल लें। जब टमाटर गर्म रहे तभी इनके छिलके हटा दें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। टमाटर और मिर्च जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम इसे ग्राइंडर में डाल के इसकी चटनी बनाएंगे। साथ में हम इसमें 6 से 7 कली लहसुन की, कुछ धनिया पत्ती, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 छोटे चम्मच सिरका, विनेगर आपके पास जो भी हो, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच चीनी, इन सब को डाल के अच्छा सा एक पेस्ट बना लें। तो लीजिए हमारी मोमोज की तीखी वाली चटनी तैयार है। नमक को एडजस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम लगे तो नमक थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा और इस चटनी को गरम गरम मोमोज के साथ एंजॉय करिए।